नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज़। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसका सरोकार बच्चों की एजुकेशन से है, ख़ासतौर से उन बच्चों के एजुकेशन से जो सिविल सर्विसेज में बढ़िया काम करके, बड़ी मेहनत करके अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। सहारनपुर के ऐसे ही बच्चों की मेहनत को तराशने के लिए प्रशासन आगे आया है, और उस प्रशासन में कमिश्नर साहब से लेकर के डीएम साहब और पूरा एक अमला इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, और इसी मुहिम को गति देने में एक सबसे की पर्सन की भूमिका निभाई है सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा ने, जो हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उन्हीं के अपने शब्दों में जानते हैं कि कैसे एक कॉन्सेप्ट उनके जहन में आया और कैसे उन्होंने इसे आगे कंसीव किया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी वेब न्यूज़ में। धन्यवाद। आपके अपने शब्दों में जानना चाहेंगे कि पहली बार ये अंकुर मन में कब फूटा और कैसे इसने एक वृक्ष का रूप लेने की तरफ अपने कदम बढ़ाए। देखिए, हम सब लोग भी उसी तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हैं जहाँ पर मार्गदर्शन के अभाव में हम लोग देर से तैयारी शुरू कर पाए, या फिर तमाम सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है लेकिन वो गाइडेंस के अभाव में तैयारी शुरू ही नहीं कर पाते हैं और वहीं पर उनका पोटेंशियल सारा ख़त्म हो जाता है। इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा हमारे जिलाधिकारी महोदय को और सीईओ साहब को कि उन लोगों ने इसका इस बीज को अंकुरित किया और इस तरह की मुहिम को चलाने के बारे में चर्चा की। फिर इस मुहिम को चलाने की चर्चा हुई, इसके बाद फिर तमाम सारे अधिकारी जुड़ गए, हमारे एडीएम प्रशासन साहब, हमारे बीडीओ पुमारका, एसडीएम रामपुर मनिहारन, इवन तमाम सारे ऑफिसर्स इस मुहिम में जुड़ गए और उस मुहिम ने फिर एक रूप ले लिया एक कोचिंग का, जो सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक 2 बैचेस के रूप में चलाई जा रही राजकीय पॉलिटेक्निक डिग्री पॉलिटेक्निक कॉलेज में। उसमें सहारनपुर जनपद ही नहीं, आसपास के जनपदों के तमाम सारे बच्चे हैं और वो सारे बच्चे इस तरह के हैं जो जिनकी पृष्ठभूमि निहायत गरीब परिवार से हैं वो सारे बच्चे, और यहाँ पर प्रशिक्षण लेकर, यहाँ पर शिक्षा लेकर शायद वो अपने सपने साकार कर पाएँ, यही पूरे जिला प्रशासन की का उद्देश्य है। सर, कितने बच्चों ने आवेदन किया था और उनसे कितने स्क्रूटनाइज होकर फिलहाल फाइनली सिलेक्ट हुए हैं, और जो बच्चे वंचित रह गए हैं क्या उनके लिए भी कोई योजना है? इसमें 3400 बच्चे, मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पता नहीं क्रेज होगा कि नहीं होगा, जब हम लोगों ने पंजीकरण आवेदन मंगवाए तो 3400 बच्चों ने 3 दिन में आके पंजीकरण करा लिया और 3400 में से फिर स्क्रीनिंग कराई गई, 2500 बच्चों के आसपास स्क्रीनिंग में शामिल हुए और 648 बच्चों को फाइनली हम लोगों ने सेलेक्ट किया अपनी कोचिंग के लिए, जिनका हमें लगा कि मेहनती और पर्याप्त आईक्यू लेवल के बच्चे हैं, उनको फिर हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। जो बच्चे नहीं स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो पाए उनसे मेरा अनुरोध है कि वो लोग अपनी हार ना माने और टाइम टू टाइम सेमिनार हम लोग इस तरह के आयोजित करते रहेंगे, उन सेमिनार्स में प्रतिभाग करें, उनको वो सारी चीज़ें उनको बताई जाएंगी सेमिनार के माध्यम से, हम अपनी कक्षाओं के माध्यम से बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की सिटी वेब से इस खास बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और निश्चित रूप से ये मुहिम आने वाले समय में एक मिसाल बने, एक नज़ीर बने, यही हम सबकी भी प्रार्थना और कामना है। आप सिटी वेब, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज़, मैं और मेरी कैमरा पर्सन गौरी वर्मा के साथ, शुक्रिया बहुत बहुत।